नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों भारत अमेरिका से प्रेडेटर बी ड्रोन खरीद रहा है। क्या है प्रेडेटर बी ड्रोन और कैसे वो युद्ध के दौरान के माहौल को बदल सकता है। प्रेडेटर ड्रोन मानव रहित विमान जैसे होते हैं जिसका इस्तेमाल अमेरिका पिछले 20 साल से युद्ध में कर रहा है। इनका इस्तेमाल अमेरिका ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में किया है। इन्हीं प्रेडेटर ड्रोन से अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतारा था। इन्हीं ड्रोन के जरिए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अबोटाबाद शहर में ढूंढ निकाला था। इन्हीं प्रेडेटर ड्रोन के जरिए अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क के कई आतंकवादियों को पाकिस्तान में मौत के घाट उतारा था और 2001 में मुल्ला उमर के कंधार वाले घर पर प्रेडेटर ड्रोन से ही हमला किया गया था। वो बात अलग है कि वो बच गया क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसे बता दिया था कि वो निशाने पर है। भारत और अमेरिका की $3 बिलियन यानी 20,000 करोड़ की डील होगी। इस डील के तहत भारत 40 प्रेडेटर बी ड्रोन खरीदेगा। भविष्य का युद्ध ड्रोन के इर्द गिर्द होगा, इसलिए सबसे घातक ड्रोन भारत खरीद रहा है। अमेरिका जब इन ड्रोन्स का इस्तेमाल अफगानिस्तान में करता था तो इसके पायलट अमेरिका के नेवाडा के रेगिस्तान में शिप कंटेनर नुमा खोल में बैठकर प्लेन कंट्रोल कर रहे थे। यानी ड्रोन को 6000 किलोमीटर दूर से उड़ाया जाता था, उसको मिलिट्री उपग्रह से ऑपरेट किया जाता था। पायलट के सामने स्क्रीन होती है और प्रेडेटर ड्रोन और पायलट के बीच 3 सेकंड का फासला होता है, लेकिन फिर भी वो कारगर है। प्रेडेटर भी आसमान में 40 से 60 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इतने वक्त तक कोई भी लड़ाकू विमान, कोई भी खुफिया विमान उड़ नहीं सकता। प्रेडेटर ड्रोन 7,500 मीटर से ऊपर उड़ता है। ये लगभग 21,000 से 22,000 फीट के ऊपर की हम बात कर रहे हैं, यानी इसे आसानी से नहीं मार गिराया जा सकता। इसमें कई सारे कैमरे लगे होते हैं और 25,000 फीट की ऊंचाई से 6 फीट के दायरे में साफ सुथरी तस्वीरें ले सकता है। इसके कैमरे बादलों की परत के भीतर से तस्वीर ले सकते हैं जो अंतरिक्ष में उपग्रह भी नहीं कर सकते। प्रेडेटर ड्रोन 4.60 टन का पेलोड लेकर उड़ सकता है। इसके साथ वो 1 टन का एक्स्ट्रा एक्सटर्नल पेलोड उठा सकता है। सबसे पहले बना प्रेडेटर केवल 1 टन उठा सकता था। नया प्रेडेटर जो भारत खरीद रहा है वो 227 किलो के 2 बम और 4 हेलफायर मिसाइल भी लेके उड़ सकता है। यानी आसमान में मिसाइल का खतरा 40 घंटे तक मंडरा सकता है। यानी प्रेडेटर लड़ाकू और खुफिया विमान दोनों का काम एक साथ करता है। प्रेडेटर भी ड्रोन का एक और काम है, प्रेडेटर भी ड्रोन पनडुब्बियों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको खोजने के लिए, उनको हमला करने के लिए। इसमें ताकतवर सोनार लगाए जा सकते हैं जो समुद्र में छुपी पनडुब्बी को ढूंढ निकाल सकते हैं और उसे मिसाइल से नष्ट कर सकते हैं। खास बात यह है कि प्रेडेटर ड्रोन को डिसमेंटल करके C-130 हरक्यूलिस जैसे विमान में डालकर देश के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। ये वही प्लेन है जिससे प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में लैंड किया था। 1,500 मीटर का रनवे चाहिए बस इसे उड़ने के लिए। भारत प्रेडेटर का इस्तेमाल LOC और LAC दोनों पर करेगा। चीन पाकिस्तान को वुलूंग ड्रोन्स बेच रहा है, भारत को इसको भी काउंटर करना पड़ेगा। प्रेडेटर ड्रोन से भारत जंगलों में आतंकवादियों पर नजर बनाकर रख पाएगा। इससे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट और उत्तर पूर्व के आतंकवादियों के नकेल कसने में अच्छी मदद मिलेगी, उन पर जंगलों के भीतर नजर रखा जा पाएगा। इसलिए भारत प्रेडेटर ड्रोन खरीद रहा है। आने वाले दिनों में जैसा कि मैंने कहा, युद्ध ड्रोन के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा और इसमें प्रेडेटर ड्रोन बेस्ट है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।